अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं मजमून खेले करे और सीखे। मजमून खेले करे और सीखे में आज हम सबक पढ़ेंगे दिगर शोबे, जिसमें सबसे पहला शोबा है मवेशी परवरी करना, यानी मवेशी पालना। हम हमारे घर में बहुत सारे मवेशियों को पालते हैं, बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बकरी और उसके अलावा कुछ परिंदे। इन जानवरों से हमें बहुत से फायदे भी होते हैं, जैसा कि गाय से, भैंस से और बकरी से हमें क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है। बैल अगर हम पालते हैं तो हमारे खेतों में काम करने के लिए, काश्त करने के लिए, हल चलाने के लिए बैल काम आते हैं। उसी तरह कुत्ता हमारे घर की हिफाजत करता है, चोरों से, अजनबी लोगों से हमारे घर की हिफाजत होती है। बिल्ली भी हमारे घर में रहती है तो वो चूहे और छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह खा लेती है, जिसकी वजह से हमारे घर का अनाज और सब्जियाँ वगैरह ख़राब नहीं होती। इस तरह इन जानवरों को पालने से हमारे घर की हिफाजत भी होती है और हमारे घर में एक खुशनुमा और खुशगवार माहौल भी रहता है। जैसा कि गाय है, गाय की बहुत सारी किस्में हैं। गोलाव गाय है जो कि हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ में पाई जाती है, जिसका सफ़ेद रंग होता है, जिसका जिस्म दरमियानी होता है, जो कि 3 से 5 लीटर तक के दूध देती है। इसी तरह गिर गाय है, इसी तरह और भी दूसरी गाय है जो हमारे महाराष्ट्र में, मगरबी महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसी के साथ साथ मुर्गियों की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसा कि आपने सबक में तस्वीरों के ज़रिए पढ़ा है। हमारे हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में 2 किस्म की मुर्गियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम एक तो गौरान मुर्गी कहते हैं जो कि ब्राउन या तांबे के रंग की होती है, और दूसरी सफ़ेद रंग की होती है, जिसे हम ब्रॉयलर मुर्गी कहते हैं। इन मुर्गियों का फ़ायदा हमें गोश्त के लिए भी होता है और अंडों के लिए भी होता है। ये मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह मवेशी की परवरिश करना, मवेशी पालना, इससे हमें इतने फ़ायदे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।